भोपाल में स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे होम्योपैथिक डॉक्टरों ने सब्जियां बेचकर केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। देखिए खास रिपोर्ट। सफेद एप्रेन और गले में मरीज को चेक करने की मशीन लिए सब्जी बेच रहे ये लोग डॉक्टर हैं। जी हाँ, डॉक्टरों को सब्जी बेचते हुए देख आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन पिछले 12 दिनों से भोपाल में ये होम्योपैथी डॉक्टर छात्र स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल पर बैठे इन डॉक्टर छात्रों की नाराजगी सरकार से जरूर है, लेकिन उन्होंने केरल बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना दिखाते हुए सब्जी बेचकर राहत राशि जुटाई। डॉक्टरों ने ये राशि बकायदा बैंक में जमा की और उनकी स्लिप भी मीडिया को जारी की। हम लोग विगत 12 दिनों से हमारी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आज 12 दिनों बाद भी भले ही सरकार की संवेदनाएं ना जागी हो, लेकिन केरल में जो हादसा हुआ है, बाढ़ हादसा, उनको लेकर जो जन है वहाँ के, उनके लिए हमारी संवेदनाएं बहुत है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हमने फल बेचे, सब्जियां बेची। उन फल और सब्जियों को बेचने के बाद जो एक छोटी सी राशि हमारे पास एकत्रित हुई थी, उस राशि में हमने पीजी डॉक्टर्स ने, यूजी डॉक्टर्स ने और इंटर्न्स ने अपनी ही तरफ से एक फंड कलेक्ट किया और उसको मिलाकर जो एक छोटी सी राशि बनी है, उस राशि को आज हम नेहरू नगर SBI के ब्रांच से केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज रहे हैं। लेके बिल्कुल ही संवेदनहीन है, वो हमेशा से हमें नज़रअंदाज करती आ रही है, बट हमें अभी भी संवेदना बची हुई है। हमने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ फंड एकत्रित किया है, जो कि हमने सब्जी बेच के जो भी यहाँ से हमें धनराशि मिली है और हमारे जो भी सहपाठी हैं, हमने आपस में हमसे जितना हुआ है हमने उसे इकट्ठा किया है, जो कि हम केरल पीड़ितों के लिए भेज रहे हैं। दरअसल स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग और शिक्षण शुल्क में कटौती की मांग को लेकर होम्योपैथी डॉक्टर छात्र हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ऐसे में हड़ताली डॉक्टर अलग अलग तरह से अनूठे प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने दरिया दिली भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।